हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं, यानी कि जो भी आपके पर्सन हैं, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जैसी भी सिचुएशन है, वो आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्या इमेजिन करते हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, तो वो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। एंड सेकंड थिंग, ये जो रीडिंग है वो सभी जोडियक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप सबसे रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस होने की वजह से ये रीडिंग आप तक जब भी पहुंची है, ये जब भी वीडियो आप तक पहुंचा है, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए 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 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। ओके वह आप ओके, हमारे पास एक कार्ड आ चुका है, किंग ऑफ वैंस। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। ओके अपने आप ही कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। Oh my God, Knight of Wands. Wands की एनर्जी इतनी ज्यादा। लोग आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं, गिव मी अ मोमेंट। या दैट लुक्स फाइन। लोग आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। पहली चीज व्यूअर्स जो मुझे यहां पर लग रही है, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये अट्रैक्टिव होना सिर्फ शक्ल की बात नहीं है, ये आपके बॉडी के एक फीचर की बात नहीं है कि आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं, कि लिप्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओवरऑल उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं। उनको ये लगता है, पहली बात, चाहे आप जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, चाहे आप योगा करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, पर उन्हें लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो परफेक्ट है, परफेक्टली कर्वी वेवी, दे लाइक इट अलॉट, उन्हें बहुत पसंद है। इसीलिए मुझे यहाँ पर उनकी नजरों में इतना अट्रैक्शन और इतना पैशन दिख रहा है आपके प्रति, कि वो सोचते हैं कि बिना कुछ करे भी, बिना कुछ जिम जाए, बिना कुछ डाइट फॉलो किए, यू लुक फैबुलस। तो उनको ऐसा लगता है कि यू नो, बहुत फुर्सत से बनाया है आपको बनाने वाले ने। या मैं कहूँ, अगर आप कहेंगे कि ऐसा भी कुछ नहीं है मैम, नो तो मैं बताती हूँ, उनकी नज़रों में आपने शायद एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है जिसकी वजह से उन्हें लगता है दैट यू आर परफेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते हैं, परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। ओके, वॉट एवर वी थिंक इज परफेक्ट, इट इज जस्ट द सोशल ओपिनियन। ओके, ये जो मैंने बात कही है इस पर जरा गौर कीजिएगा। जो भी लोग कहते हैं या हम कहते हैं कि ये परफेक्ट है या ये एकदम अच्छा है, बेस्ट है, वॉट एवर वी थिंक इज बेस्ट, इट इज जस्ट द सोशल ओपिनियन। नथिंग इज बेस्ट, नथिंग इज परफेक्ट। ओके, क्योंकि हमारे पास कुछ मेजर करने के लिए है ही नहीं, अनटिल अनलेस हम कोई पैरामीटर सेट करें, कोई स्टैंडर्ड सेट करें, यू नो, और उससे कंपेयर करें खुद को या किसी और चीज को, तभी हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट बिकॉज वी हैव सम स्टैंडर्ड्स और सम पैरामीटर्स।
तो यहां पर उनके हिसाब से उनको यही लग रहा है दैट यू आर परफेक्ट, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, जैसे चलते हैं, जैसे बैठते हैं, जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, एवरीथिंग लुक्स वेरी परफेक्ट, एवरीथिंग लुक्स वेरी रॉयल, वेरी क्लासी. ओके, क्योंकि यहां पर सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं है, यहां पर किंग की बात भी है. ओके, जब यहां पर सिर्फ अट्रैक्शन, सिर्फ लुक्स नहीं है, यहां पर रॉयल्टी भी है, यहां पर यू नो एक प्रेस्टीज भी है, एक रेपुटेशन है, एक इमेज है, जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर कल्पना करते हैं ऐसी जैसे आप उनके साथ हैं. यू आर हगिंग देम, यू आर किसिंग देम, यू आर होल्डिंग हैंड्स विद देम, यू नो यू आर कडलिंग देम, यू नो यू आर जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू देम. तो कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे वो यू नो खुश हो जाते हैं सोच के कि आप उनके पास हो और यू लुक सो ब्यूटिफुल, यू लुक सो फैबुलस. तो वो ऐसा कुछ कल्पना करते हैं. ओके, उन्हें आपसे वाइब ऐसी आती है जैसे आप बहुत क्लासी, बहुत रॉयल हो. तो यहां व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन किसी ट्रेडिशनल कपड़ों में, अगर आप मेल हैं तो यू नो कुर्ता पजामा या कोई ट्रेडिशनल कुछ कपड़ा हो अगर, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके ट्रेडिशनल कपड़ों में वो आपको इमेजिन करते हैं, ट्रेडिशनल कपड़ों में वो आपको इमेजिन करते हैं और उसमें भी आप उन्हें बहुत खूबसूरत और बहुत हैंडसम लगते हैं. तो उनकी कल्पना में व्यूअर्स आपकी छवि बहुत ही अट्रैक्टिव है. दे सी यू वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. ओके, कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो ऐसा भी इमेजिन करते हैं कि जैसे जैसे आप ही आप उनको गाइड कर रहे हो, या आप उनको एडवाइस कर रहे हो, या आप उनको बता रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वो इमेजिन कर लेते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप में जितना कॉन्फिडेंस है उनमें नहीं है, कहीं ना कहीं आप उनकी इस कमी को पूरा कर देते हो. ओके व्यूअर्स, वो आपको लेकर कल्पना करते हैं ऐसी कि शायद आप उनके साथ पार्टी कर रहे हो, फंक्शन अटेंड कर रहे हो, किसी गेट टुगेदर में उनके साथ हो. तो वो ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो. ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए बोटिंग लग रहा है, यू नो नाव में बैठकर चप्पू चलाकर जाना, चप्पू यू नो द चप्पू, आई डोंट नो द इंग्लिश ऑफ चप्पू, बट नाव में बैठकर घूमना, बोटिंग, बोटिंग करना या कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना, कुछ इमेजिन करते हैं आपके साथ, स्काई डाइविंग करना साथ साथ, कुछ यू नो कुछ एडवेंचरस इमेजिन करते हैं आपके साथ. बिकॉज आई कैन सी दैट दे आर इमेजिनिंग अबाउट एडवेंचर विद यू. वो ऐसा भी इमेजिन करते हैं कि आप लोगों के रिश्ते की बात हो रही है, परिवार मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यू नो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे करना है. तो ये भी उनकी एक कल्पना की पहुंच है जहां वो ये सोच रहे हैं कि फैमिलीज मिल रही हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. वो ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हैं व्यूअर्स? क्या ये टफ है, क्या ये डिफिकल्ट है ऐसा होना? आप बताइए, फैमिलीज का मिलना, यू नो बातें करना आप लोगों के रिश्ते की, क्या ये मुश्किल है आप लोगों की लाइफ में? हो सकता है कोई हर्डल हो. ओके, फैमिली इशू भी हो सकता है, शायद इसीलिए सिर्फ कल्पना कर रहे हैं इस चीज की. गिव मी अ मोमेंट. व्यूअर्स, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो भागकर आपके पास आ जाए और आपको हग कर लें, क्योंकि पैशन तो है ही, क्यूरियोसिटी भी है, एक्साइटमेंट भी है. ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी पार्टी में गए हैं और बोर हो रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इवन किसी और चीज में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जैसे ही उन्हें कोई बोलेगा कि आप आए हो, या जैसे ही इन्हें आपकी शक्ल दिखाई देगी, फुल एक्साइटमेंट, अचानक हंसने लगेंगे, यू नो दे खुद भी रियलाइज नहीं करेंगे कि वैसा क्यों करने लगे हैं, अचानक हंसने लगेंगे, डांस करने लगेंगे, आपकी अटेंशन ग्रैब करेंगे. वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप जैसे ही आओगे उनके पास आ जाएंगे, आपके साथ डांस करेंगे. तो उनकी कल्पना है ये कि आप कहीं से तो उनके पास आओगे, कहीं से तो कोई ऐसा कोइंसिडेंस होगा जहां पर यू नो आप टकराओगे एक दूसरे से, ऐसा वो सोचते हैं.
और वो भागकर आपके पास आए, आपको हग कर लें, आपसे बात करें, आपका हाथ पकड़ लें, ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं। यस। तो वैसे अगर मैं कहूँ तो दे थिंक यू आर वेरी हॉट, ऐसा कुछ सोचते हैं। इनकी कल्पना तो काफी अच्छी है। ओके, चलिए इस डेक से कार्ड लेते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ नीचे पर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, कैन यू सी दिस कार्ड? आई डोंट नो फोकस है कि नहीं इस पर, बट दिस इज द कार्ड, पहला कार्ड जो आया है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इमेजिन्स दैट, ओ माई गॉड, ये तो हाई लेवल इमेजिनेशन हो गया, दैट यू गाइज हैव लाइक विंग्स एंड यू आर फ्लाइंग अराउंड। वाओ, दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक आई थिंक। आप दोनों के पंख हैं और आप दोनों साथ में यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, पूरा आसमान कवर कर रहे हैं, ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके पास बैठे हैं और आपका जो सर है वो इनके कंधे पर रखा हुआ है। दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। ब्यूटिफुल। यहाँ व्यूअर्स, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि काश एक ऐसी दुनिया होती जहां ना आपको कोई जानता ना इन्हें कोई जानता, काश एक ऐसी जगह आप लोग चले जाते जहां ना इन्हें कोई जानता ना आपको कोई जानता, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सिर्फ प्यार होता। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरी दुनिया में जाएं। दिस पर्सन इज फुल ऑफ इमेजिनेशन मैन, दिस पर्सन इज फुल ऑफ इमेजिनेशन। ये ऐसा सोचते हैं जैसे एक दूसरी दुनिया में जाएं, जहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती हो और आप और वो हो इस दुनिया से बाहर, लाइक आउट ऑफ दिस प्लैनेट। पता नहीं क्यों, ब्यूटिफुल। नहीं, इतने क्रिएटिव थॉट्स हैं, बहुत ही ब्यूटिफुल है ये सब। वो अगर ऐसी कल्पना भी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे राइटर भी हैं शायद, या वो अच्छा लिख सकती हैं या लिख सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी। बिकॉज आई राइट, मैं लिखती हूँ पोएम्स और मैं इस तरीके की कल्पना को समझ सकती हूँ। ओके, ब्यूटिफुल। कहीं ना कहीं वो ऐसा भी इमेजिन करते हैं कि आपके तीन बच्चे हैं। वाई, आई डोंट नो वाई आई गेट दिस। कहीं ना कहीं वो ये भी इमेजिन करते हैं कि आपके तीन बच्चे हैं, थ्री थ्री किड्स आपके साथ। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लव, लविंग वर्ड्स हैज द पावर टू चेंज समवनस लाइफ इंक्लूडिंग योर ओन। ब्यूटिफुल। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमेजिन करते हैं कि वो आपको कुछ कन्फेस कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ इंटेंस कुछ आपसे कह रहे हैं। वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं व्यूअर्स कि वो अपनी सारी फीलिंग्स, जो भी उन्होंने सोचा कभी, वो सब आपको बता दे। और ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि
जब वो आपको ये सब कन्फेस करें, आप कहो कि मैं भी यही सोचता हूँ या मैं भी यही सोचती हूँ। वो चाहते हैं कि जैसा वो महसूस करते हैं वैसा आप भी महसूस करो। ब्यूटिफुल। तो व्यूवर्स, इनकी कल्पना आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ब्यूटिफुल, मेरे मुंह से बार बार यही शब्द निकल रहा है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आई थिंक यू ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटिफुल व्यूअर्स। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दे वॉन्ट बेबीज विद यू। वो जब भी इमेजिन करते हैं उनकी इमेजिनेशन खाली नहीं जाती बिना ये सोचे कि आपके साथ उनके बच्चे भी हैं। दे वॉन्ट किड्स विद यू। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप रहा है यहां पर, तभी ये सब मन में बना रहे हैं ज्यादातर चीजें। कम्युनिकेशन गैप रहा है। इट इज सेफ टू ट्रस्ट व्यूअर्स। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप भरोसा करो उन पर। शायद उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा हो, इसीलिए दोबारा भरोसा जीतने के लिए मुश्किल है उनके लिए। यानी कि उन्होंने अगर आपका भरोसा तोड़ा है तो दोबारा आपका भरोसा जीतना उनके लिए मुश्किल है। तभी शायद वो कह रहे हैं कि इट इज सेफ टू ट्रस्ट। आई रीप्ले अवर कॉन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। तो आपने अगर चैट की है व्यूअर्स इनके साथ, तो ये उस चैट को रिपीट करते हैं, बार बार उसको चैट को पढ़ते रहते हैं। यू नो, कुछ मैसेजेस आप लोगों ने शेयर किए हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई वीडियोज हैं, तो बार बार वो उनको यू नो रीप्ले करके सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। इनकी ये भी आदत हो गई है। अब यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जब भी कुछ गाने वो ऐसे हैं जो सुनते हैं, वो गाने उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। वो गाने सुनते सुनते शायद वो आपको इमेजिन करते हैं। वो कुछ गाने हैं जो उनको लगता है कि जैसे जैसे आपकी याद दिलाई जा रही है, जैसे आप ही हो, आपकी कहानी कही जा रही है आप दोनों की। एक सॉन्ग है व्यूअर्स, एक पंजाबी सॉन्ग है जो सिंगर बिलाल सईद जी ने गाया है, और जो फीमेल सिंगर है उसमें शायद उनका नाम मुमीना मुस्तैसन है। मुझे यू नो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हुई है, मैंने अगर गलत प्रोनाउंस किया है तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, मुझे प्रोनाउंस करने में अगर यू नो कुछ गलती हुई हो तो। लेकिन सॉन्ग का नाम है बारी, BARI, ठीक है। बारी सॉन्ग है, बारी यू नो वन सॉन्ग टू सॉन्ग दोनों ही मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब वो सुनते हैं ये गाने तो उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें लगता है कि वो गाने आप लोगों की कहानी कह रहे हैं। हथ ते डुल गई चा सजना, कैसी तेरी निगाह सजना, जाती जाती दस दी जा, मुझे पंजाबी नहीं आती है, दिल दे विच की तेरे, ऊंचियां दीवारा रखियां इस दिल दे चार्ज फेरे, ऐसा कुछ है। तो ये सॉन्ग जरूर सुन लीजिएगा, ये गाना इन्हें आपकी याद दिलाता है, आपकी इस लव स्टोरी की कहानी इनको याद दिलाता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं ये बहुत कुछ चीजें हैं जो ये आपको लेकर इमेजिन करते हैं। इस व्यक्ति के नाम में एस हो सकता है या आपके नाम में एस हो सकता है, काफी प्रोमिनेंट। ओके, डबल ए हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, एच, P,
एंड डी, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है या आपसे रेजोनेट हुई है। ओके, और दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई आपके लिए इतना खूबसूरत इमेजिन करता है तो आपको तो खुश होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक बात और, अपनी खुशी को डिपेंड मत कर दीजिएगा किसी और चीज़ पर। आप अकेले भी खुश हो सकते हैं, और कोई आपके लिए इतनी अच्छी कल्पना करता है तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इस चीज़ को लेकर तो खुश होना ही चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी है आपको रीडिंग, कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो उसी से मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत ही सही, 1% ही सही पसंद आया है। ओके, और सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरोट चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। वेट वेट वेट, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ओनली इफ यू वॉन्ट। और हाँ, किसी फ्रॉड में फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग फेक अकाउंट्स बना के कमेंट करते हैं, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और थोड़ा सा भी आपको भावुक देखते हैं तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बीवेयर, ओके, सावधान रहें, सतर्क रहें, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें क्योंकि मैं भी करती हूँ। ओके, आई लव यू, बाय।